इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छे रिबाउंडर कैसे बन सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन और मैं आ गया हूं एक नए बास्केटबॉल ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप आगे भी ऐसे ही बास्केटबॉल रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लगातार बना सकूं। बास्केटबॉल में रीबाउंडिंग एक ऐसी स्किल है जो कि आपकी टीम को बहुत सारे सेकेंड चांस पॉइंट्स दिला सकती है और दूसरी टीम को पॉइंट स्कोर करने से रोक सकती है। अगर आपकी टीम ऑपोजिट टीम से ज़्यादा बेटर रिबाउंड्स लेती है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उसकी वजह से आपको मैचेस में ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने के चांसेस मिलेंगे। फिर भी रिबाउंडिंग एक ऐसी स्किल है जिसको बिगिनर लेवल प्लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और इम्प्रूव करने की भी ज़्यादा कोशिश नहीं करते, लेकिन एक अच्छा ओवरऑल बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए आपकी रिबाउंडिंग स्किल्स अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। बास्केटबॉल में दो टाइप के रिबाउंड्स होते हैं। एक होता है डिफेंसिव रिबाउंड, जो कि आपको तब लेना होता है जब आपके अपने बास्केट पे कोई शॉट मिस करता है, और दूसरा होता है ऑफेंसिव रिबाउंड, जो कि आपको तब लेना होता है जब आपके ऑपोजिट टीम के बास्केट में आपके कोई अपना टीममेट शॉट मिस करता है। तो एक अच्छा रिबाउंडर बनने के लिए आपको इन 5 चीज़ों पर फोकस करना है: बॉक्स आउट, बॉल जजमेंट, बॉल कैच, पिवट एंड पास और एफर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंसिव रिबाउंड की। एक अच्छा डिफेंसिव रिबाउंडर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने असाइंड प्लेयर को बॉक्स आउट करना है। बॉक्स आउट करने के लिए जैसे ही ऑपोजिट टीम का प्लेयर आपके बास्केट पे शॉट अटेम्प्ट करता है, आपको अपने फोरआर्म से अपने असाइंड प्लेयर को लोकेट करना है और फिर अपने बॉडी को टर्न करके उसे रिबाउंड एरिया से बाहर पुश करना है ताकि रिबाउंड आने पर वो बॉल तक ना पहुंच पाए। आपको टर्न करने के बाद भी अपने हाथ और बैक से प्लेयर को लोकेट करके उसे ब्लॉक करना है और उसके साथ रेगुलरली मूव करना है ताकि वो आपके आगे आके रिबाउंड न ले पाए। अच्छे से बॉक्स आउट करने के बाद आपको बॉल जज करके अपनी रिबाउंडिंग पोजीशन लेनी है। एक अच्छे रिबाउंडर को हमेशा ये पता होता है कि बॉल बास्केट से बाउंस करने के बाद किस डायरेक्शन में और कितनी दूर गिरेगी। डेनिस रॉडमैन, जो कि NBA हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट रिबाउंडर्स माना जाता है, प्रैक्टिस के टाइम सिर्फ बाकी प्लेयर्स के शॉट देखता था और उनका बाउंस जज करता था, जिससे उसके लिए मैच में बॉल के मूवमेंट को जज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था और उसे पहले ही पता होता था कि बॉल रिबाउंड के लिए कहाँ पर आएगी। आपको भी बॉल की रोटेशन और बाउंस को रीड करना आना चाहिए ताकि आप बॉल की एग्जैक्ट पोजीशन जज कर पाओ। तो इसके लिए आप बॉल को रिम और बोर्ड पे अलग अलग तरीके से बाउंस करके देख सकते हो कि रिम पे किस जगह टच होने पे बॉल कहाँ बाउंस करती है और कितनी दूर जाके गिरती है। इससे आपकी बॉल जजमेंट की एबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी और आप मैचेस में बहुत आसानी से रिबाउंड की सही पोजीशन गेस कर पाओगे। अब बॉल सही से जज कर लेने के बाद बात करते हैं बॉल कैच की। जैसे ही बॉल रिम या बोर्ड पर टच होगी, आपको अपने प्लेयर को छोड़ के बॉल कैच करने के लिए जंप करना है और बॉल को उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पकड़ने की कोशिश करनी है। अगर आप बॉल को लो पकड़ने की कोशिश करोगे तो ऑपोजिट टीम के प्लेयर आपसे ऊंचा जंप करके आपसे पहले ही रिबाउंड ले लेंगे या फिर बॉल के नीचे आने पर वो उसे स्टील कर लेंगे। तो रिबाउंड लेते टाइम आपकी जंप बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको बॉल को उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पकड़ने की कोशिश करनी है। बॉल हाथ में आते ही आपको उसे टाइटली होल्ड करना है ताकि आपसे कोई बॉल छीन ना पाए और आप बॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी का यूज़ भी कर सकते हो। अब बॉल कैच करने के बाद बात करते हैं पिवट एंड पास की। बॉल पकड़ने के बाद आपको हमेशा बास्केट से ऑपोजिट साइड में पिवट करना है। अगर आप बास्केट की साइड पिवट करोगे तो बॉल स्टील होने का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए आपको हमेशा ऑपोजिट साइड पिवट करना है ताकि आपको मूव्स बनाने के लिए ज़्यादा स्पेस मिले। पिवट करने के बाद आपको सबसे पहले अपने बॉल हैंडलर को ढूंढना है या फिर किसी भी आगे वाले प्लेयर को ढूंढना है जिसे ड्रिबलिंग अच्छे से आती हो, और आपको उसे पास देना है। अगर आपके पास पास करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं और आपके सारे प्लेयर्स डिफेंडेड हैं, तब जाके आप खुद से बॉल को ड्रिबल कर सकते हो, वरना आप सबसे पहले बॉल को पास करने के लिए देखोगे, क्योंकि पेंट एरिया में बहुत आराम से बॉल आपसे स्टील हो सकती है और आपके ओपोनेंट्स को एक ईजी बास्केट मिल सकता है। ये तो थी डिफेंसिव रिबाउंड्स लेने की सही टेक्निक, लेकिन अब बात करते हैं ऑफेंसिव रिबाउंड्स की। ऑफेंसिव रिबाउंड्स लेते टाइम भी आपको ऑलमोस्ट इन सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, लेकिन उस टाइम आपको कोई ऑपोजिट टीम का प्लेयर बॉक्स आउट कर रहा होगा तो आप या तो स्विम ओवर मूव का यूज़ करके उसके आगे आ सकते हैं, जिसमें आप अपने एक हाथ से उसके हाथ को ब्लॉक करेंगे और उसके आगे स्टेप करके रिबाउंड लेते टाइम उसके आगे आ जाएंगे, या फिर आप तब रिबाउंड लेते टाइम उसके आगे आ सकते हैं जब उसका ध्यान आप पे नहीं लेकिन बॉल पे हो। और आपको ऑफेंसिव रिबाउंड लेते टाइम पिवट करके बाहर नहीं देखना है, लेकिन ये कोशिश करनी है कि आप डायरेक्टली बास्केट स्कोर कर पाओ। तो आप ऑफेंसिव रिबाउंड लेते ही सबसे पहले तो बास्केट स्कोर करने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर बास्केट ब्लॉक्ड है तो आप डायरेक्टली अपने टीममेट को ढूंढोगे ताकि वो बास्केट स्कोर कर पाए। और फाइनली, एक अच्छा रिबाउंडर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एफर्ट। रिबाउंडिंग बैटल में हमेशा वो प्लेयर जीतता है जो ज़्यादा एफर्ट और हसल करता है। अगर आप अपने ओपोनेंट से ज़्यादा एफर्ट डालोगे तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम उससे रिबाउंड निकाल लोगे, तो मैचेस में आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रिबाउंड्स लेने की कोशिश करनी है।
तो अगर हम इस ट्यूटोरियल का रिकैप करें तो एक अच्छा रिबाउंडर बनने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने असाइंड प्लेयर को शॉर्ट अटेम्प्ट के टाइम बॉक्स आउट करना है। उसके बाद आपको बॉल की बाउंस को जज करना है और ये डिसाइड करना है कि रिबाउंड कौन से एरिया में आएगा। फिर आपको बॉल को उसके हाईएस्ट पॉइंट पे कैच करना है और टाइटली पकड़ना है ताकि कोई आपसे बॉल स्टील ना कर पाए। और आपको बॉल पकड़ते ही बास्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में पिवट करना है और अपने टीम के बेस्ट बॉल हैंडलर को ढूंढ के उसे बॉल को पास करना है। और फाइनली आपको अपना 100% एफर्ट देना है ताकि आप हर एक रिबाउंडिंग बैटल जीत पाओ। तो ये थी एक अच्छा रिबाउंडर बनने के कुछ की पॉइंट्स, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली एक ज़्यादा अच्छे रिबाउंडर बन पाओगे और मैचेस में भी आप ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने में हेल्प कर पाओगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लगातार बना सकूँ। और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हैविंग फन, पीस आउट।